हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे भोजशाला किचन में। तो आज मैं आपके लिए एक रेसिपी लेके आई हूं जो कि है पनीर मसाला भुर्जी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे आने वाले सारी वीडियोज़ अब तक पहले पहुँच सके। तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर पैन लेना है और पैन में हमने 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल के डालने हैं। अगर आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तेल गरम होने पर अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरे को भी हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये चटकने ना लगे और फ्लेम को हम लो कर देंगे। अब आ रही है इसमें प्याज डालने की। तो हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं जिसे अब हम भूनेंगे। प्याज को भी हम तब तक भूनेंगे जब तक ये हल्का सा गुलाबी ना हो जाए। प्याज बारीक कटा हुआ हो और या फिर कद्दूकस किया हुआ हो या फिर उबला हुआ हो, सारे जितने भी प्याज अलग अलग तरीके के होते हैं तो इसका फ्लेवर भी टेस्ट भी अलग अलग तरीके का निकल के आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज भून चुका है अच्छे से। अब आ रही है इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने की और इसे भी अब हम अच्छे से भून लेंगे। तब तक हमें भूनना है अदरक लहसुन का पेस्ट जब तक कि इसमें से कच्ची जो स्मेल होती है वो ना निकल जाए। हमें लो फ्लेम पे ही मसाले भूनने हैं, नहीं तो मसाला हमारा जो है वो जल सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, हाई फ्लेम पे हमें बिल्कुल भी मसाला नहीं भूनना है। तो आप देख सकते हैं कि मसाला अब हमारा भून चुका है अदरक लहसुन का। अब बारी है इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को भी हम अच्छे से भून लेंगे और टमाटर तब तक भूनना जब तक कि ये गल ना जाए। और गलाने के लिए हमें क्या करना है, स्वाद अनुसार नमक डालना है। आपने देखा होगा जब कभी भी टमाटर हम ग्रेवी में डालते हैं तो तुरंत हम नमक डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा टमाटर होता है वो बहुत अच्छे से गल जाता है बहुत आसानी से। अब आ रही है इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालने की और अब हम इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे, अच्छे से मिला लेंगे सारे मसालों के साथ। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप 1 चम्मच और देगी मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मसाला भी अच्छे से भून चुका है, टमाटर गल गया है। अब बारी है इसमें 1 कप शिमला मिर्च डाल देंगे और शिमला मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे इन सब मसालों के साथ। और अब हमें ढक के पकाना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, हमें सिर्फ ढक के पकाना है 5 से 6 मिनट के लिए। आप चाहे तो हरी मटर का भी यूज़ कर सकते हैं, अभी सीज़न भी है, बहुत अच्छा मटर भी आ रहा है, तो आप शिमला मिर्च के साथ मटर भी डाल सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छे से भून गया है हमारा और इसमें हमने जो शिमला मिर्च डाला था वो भी पक चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब आ रही है इसमें मेन इन्ग्रीडियंट्स डालने की जो कि है पनीर, जिसे हम छेना भी कहते हैं। और अब अच्छे से हम मिला लेंगे सभी मसालों के साथ पनीर को। लो फ्लेम पे ही हमें पकाना है, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करिएगा और ज़्यादा भी नहीं पकाना है पनीर को, नहीं तो ये हार्ड हो सकता है, सख्त हो सकता है। अब आ रही है इसमें हम हरा मिर्च डाल देंगे, हरी बारीक कटी हुई मिर्च डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास घर का बना हुआ गरम मसाला पाउडर है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सभी मसालों के साथ पनीर को। और फिर से हमें ढक के पकाना है सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा पनीर जो है वो बनके तैयार है। हम इसमें हम अब डाल देंगे कसूरी मेथी और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस जो हमारी डिश है वो बनके तैयार है। पनीर भुर्जी भी कह सकते हैं या मसाला पनीर कह सकते हैं। आई होप कि आज की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाले जितने भी रेसिपीज़ हैं वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच।